हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं पोर्टेबल गैस सिलेंडर के बारे में। जैसा कि देख सकते रहेंगे, ये हमारे पास मैप सिलेंडर है, पोर्टेबल ब्रिजिंग सेट है, देख सकते रहें, जिसकी मदद से हम कहीं पे भी आसानी से वेल्डिंग कर सकते रहें। कोई सा भी कापर पाइप वगैरह है उसे आसानी से ब्रिजिंग वेल्डिंग कर सकते रहें। कंफर्टेबल है ये बोले तो हम कहीं पे भी इसे लेकर जा सकते रहेंगे। कई बार होता है हमारे पास बड़े बड़े सिलेंडर रहते हैं या बाहर दूर छत पर ले जाना रहता है, दूर ले जाना रहता है, तो हम नहीं ले जा सकते रहेंगे। उसके लिए आप देख सकते रहेंगे ये जो आप पोर्टेबल जो है छोटा सा ब्रिजिंग टॉर्च सेट है, उसे तो मार्केट में बहुत से आ जाते हैं, छोटे आ जाते रहेंगे। लेकिन ये जो है किस लिए कंफर्टेबल हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 5 फीट का पाइप होज लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम सिलेंडर नीचे रख के कहीं पर भी नीचे ऊपर कंफर्टेबल जगह से इसको कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते रहें। कई बार हमें बहुत से रहता है जो शायद कोने में रहता है, दूर रहता है, हम टॉर्च नहीं घुसा सकते रहेंगे, तो उसके लिए ये सेट है। और ये जो है हाई फ्लेम है, जिसकी मदद से आप बड़ा पाइप मोटा पाइप कोई सा भी कर सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे और इसके किस तरह से वर्क करता है। अगर आप उसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। देख सकते रहेंगे ये सबको वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टॉर्च है, फ्लेमेबल टॉर्च है हैंड है, जिसे हम इजी आसानी से यूज कर सकते रहेंगे। देख सकते रहेंगे सेफ्टी वगैरह भी इसमें अच्छा सेफ्टी वगैरह दिया है। अगर बाई चांस यहाँ से कुछ लीक होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, यहाँ से निकल सकता है या रिफिल कर सकते रहेंगे, ये देख सकते रहेंगे। तो इसे यूज करने के लिए नॉर्मल बेसिक है, यहाँ से वाल इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर गैस आना चालू हो गया है। इसमें सिस्टम है, लाइटर भी दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे लाइटर चालू हो जाएगा। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने चालू किया, इसमें लाइटर जरूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ पर से प्रेस किया, ये चालू हो गया ऑटोमेटिक तरीके से। और अभी हम इसको यहाँ से हीट करेंगे, अच्छी तरह से इसको हीट करेंगे, उसके बाद आप देख सकते रहेंगे वेल्डिंग करके दिखाते हैं, हीट करेंगे इसको। फ्रिज क्या है, ये हमारा कॉपर टू मेटल पाइप है, जिसको हम वेल्डिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वेल्डिंग कर सकते रहेंगे आसानी से। इसके हमारे पास जो है जैसे वाइट रॉड है, इसके बारे में ये दूसरा हमारा स्पेशल वीडियो बना हुआ, किस तरह से फ्रिज रिपेयर करते हैं, मेटल टू कॉपर पाइप किस तरह से रिपेयर करते हैं, और भी इसके बारे में बहुत से वीडियो बना हुआ है। तो बेसिक चीज़ें हमने दिखाया है कि देख सकते रहेंगे इसको आसानी से किस तरह से हम हीट कर सकते रहेंगे, ब्रिजिंग कर सकते रहेंगे, वेल्डिंग कर सकते रहेंगे, इस तरह से सिंपल एग्जांपल हम आप लोग को दिखा रहे हैं। और इसको किस तरह से इसको चालू करते हैं, किस तरह से सिलेंडर को चेंज करते हैं, होस को किस तरह से सेट करते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। देख सकते रहेंगे ये हमारे पास होज है अलग से, ये 5 फीट का अलग से होज है और सिलेंडर है, मैप सिलेंडर से कहा जाता है। इसमें जो है एक पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड गैस है, जो नॉर्मल हमारे LPG रहता है वैसा ही ये भी गैस है। इसको लॉक करने के लिए देख सकते रहेंगे कुछ तरह से थ्रेड रहता है, इसमें फंसाएंगे और ये सिलेंडर लॉक हो जाएगा। देख सकते रहेंगे ये थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता रहेगा, लेकिन बेसिक जो है इसी तरह सिलेंडर में जो इसी तरह से थ्रेड रहता है, आसानी इस तरह से इसको आप लगा सकते रहेंगे। मॉडल कोई सा भी दूसरा हो सकता है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें देख सकते हैं ऊपर से नॉब दिया हुआ है, जो हमारा पहले दिखाया था उसमें डिफरेंस से नॉब घुमाने के लिए दिया था, चालू बंद करने के लिए, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, साइड से ऊपर ही दिया है। तो यहाँ से हम इसको चालू बंद कर सकते रहेंगे और इसमें स्पार्क लाइट दिया हुआ है, देख सकते रहेंगे यहाँ से स्पार्क लाइट दिया है, इसको हम प्रेस करते हैं ये चालू हो जाता है। फ्लेम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नॉब जो रहता है इसे घुमा करके हम फ्लेम जो रहता है, आग जो रहता है वो स्पीड कम ज़्यादा कर सकते रहेंगे। जैसे पतला पाइप कोई करना है, मोटा पाइप करना है, तो यहाँ से घुमा कर ऊपर से नॉब जो रहता है घुमा कर एडजस्ट कर सकते रहेंगे। है ना कमाल की पोर्टेबल है ये, तो जिसकी मदद से आप कहीं पर ये उन लोग के लिए हेल्पफुल है जो नए टेक्नीशियन रहते हैं, नए जो एक फील्ड में आते हैं काम करते हैं, उनके पास बड़ा बड़ा जो है ब्रिजिंग सेट टॉर्च नहीं रहता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव रहते हैं, महंगे आते हैं, और छोटे जो काम फ्रिज हो गया, स्प्लिट वगैरह, छोटा AC वगैरह रहता है काम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इसको बाई कर सकते हैं, इसका जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, चाहिए तो आप ऑनलाइन बाई कर सकते रहें किस तरह से भी। आप देख सकते रहेंगे ये हमारा छोटा है और इसको हम बड़ा चीज़ से साइज है, कहीं पर भी छत पर रूप पर बड़ा साइज के प्रोजेक्ट पर कहीं पर इसको आसानी से ले जाकर यूज कर सकते रहेंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे देंगे, कौन सा अच्छा कंपनी का अच्छा देखकर सस्ता में है, आप खरीदना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन खरीद सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे। और भी इसके बारे में डिटेल्स में जाने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिला है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ये वीडियो और भी लोग पास शेयर करें, जो लोग एक सबके नए टेक्नीशियन के बारे में, AC के रिपेयर के बारे में जानना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन लोग पास ये वीडियो शेयर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।